मुंब्रा से हिरासत में लिए गए जमाती सभी हुए रिहा। एडवोकेट इस्माइल ने मीडिया को भी दी नसीहत। ब्रा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा से करीब 26 देशी और विदेशी जमातियों कोरोना फैलाने के आरोप में मामला दर्ज कर हिरासत में लिया गया था, मगर सभी जमाती अब दोष मुक्त होकर रिहा हो गए हैं, मुंब्रा वापस लौट आए हैं। हमने इस मामले में एडवोकेट इस्माइल और जमातियों से भी बातचीत की है जो आपको सुनाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान मुंब्रा में कोरोना फैलाने के आरोप में करीब 26 जमातियों को हिरासत में लिया गया था। लॉकडाउन से पहले दो जमात मुंब्रा में आई थी और लॉकडाउन लगने की वजह से ये दोनों जमात मुंब्रा में ही रुक गई थी, जिसमें से एक जमात मुंब्रा के मकसूद नगर में तनवीरुल उलूम में रुकी थी। इसमें 13 बांग्लादेशी और 2 आसाम के नागरिक थे। वहीं जो दूसरी जमात थी वो नदीउल फलाह में रुकी थी, उनमें 8 मलेशियाई और 2 भारतीय थे। यानी कि ट्रस्टी और जमातियों को मिलाकर कुल 26 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। इन सभी जमातियों को कोरोना फैलाने के आरोप में इन पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया गया था, मगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इन जमातियों पर दर्ज FIR को रद्द कर दिया था और आज ये सभी जमाती रिहा कर दिए गए हैं। एडवोकेट इस्माइल ने बताया कि कोर्ट का फैसला काबिले तारीफ रहा और रिहा होकर ये सभी जमाती मुंब्रा के नदीउल फलाह में हैं और सभी जमातियों में खुशी की लहर है। साथ ही एडवोकेट इस्माइल ने मीडिया को भी नसीहत दी कि इस तरह के प्रोपोगेंडा चलाकर किसी को बदनाम करना ठीक नहीं है। जो सच्चाई है मीडिया वो दिखाए, ना कि किसी की छवि को नुकसान पहुँचाए। इस पूरे मामले में एडवोकेट इस्माइल और जमातियों ने क्या कुछ कहा है सुनिए। इस तरीके के जो फैसले आते हैं, हम तो सराहना करेंगे कि बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने जो फैसला दिया है, इस फैसले की हम सराहना करते हैं। और इस फैसले से ये बात तय हो गई थी कि किसी भी किस्म का प्राइमा फेसी केस मेड आउट नहीं होता है। ये जो साथी इधर आए थे ये वैलिड पासपोर्ट पर आए थे। अचानक तो 23 मार्च को भारत में लॉकडाउन जो है अचानक से अमल में आ गया, जिसके तई एयरपोर्ट और बाहर जाने के तमाम जो भी साधन थे जैसे कि एरोप्लेन, ये सब बंद कर दिए गए। तो जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में जो लोग वैलिड वीज़ा पर हिंदुस्तान आए थे वो अपने कंट्री नहीं जा सके। और फिर सरकार ने इन लोगों पर एपिडेमिक एक्ट सेक्शन 188 पासपोर्ट एक्ट के तहत जो कार्रवाई कर इन पर जो दोष आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया सेक्शन 173 के अंडर, तो उन्होंने ऐसा बताया कि इन लोगों के मतलब भारत आने के बाद ये लोगों ने एक जगह पर इतनी तादाद में जमा रहे, इन लोगों ने कोरोना फैलाने के लिए मदद किया, इस तरीके के आरोप लगा करके चार्जशीट दाखिल की गई। लेकिन चार्जशीट जब कोर्ट में दाखिल की गई तो औरंगाबाद हाईकोर्ट के आए हुए फैसले को जो जस्टिस नलावड़े साहब और जस्टिस सेवलिका साहब ने दिया था 21/8/2020 को, उसको आधार बनाते हुए हम लोगों ने यही आर्ग्यू किया कि ये जो चार्जेस है ये मेड आउट नहीं होते। औरंगाबाद बेंच ने इस चीज़ को रूल किया है, तो हमने उसी को आधार बनाते हुए सेक्शन 239 CRPC के तहत डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल किया। कोर्ट ने औरंगाबाद के फैसले को आधार बनाते हुए हमारे एप्लीकेशन की सराहना की और हम लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। आज हम सब जो है हमारे जितने भी साथी हैं वो डिस्चार्ज हुआ। और तनवीरुल उलूम के जो है कितने जमाती थे जो आज डिस्चार्ज हुए? नादीउल फलाह जो मदरसा है इसके मलेशिया के 8 साथी थे, 2 साथी हिंदुस्तानी थे और हमारे ट्रस्टी आदिल भाई भी इसके अंदर, उनको भी आरोपी का बनाया गया था। इस तरीके से टोटल 11 लोग थे नादीउल फलाह के। और जो तनवीरुल उलूम मकसूद नगर की जमात है इसमें बांग्लादेश के 13 साथी, आसाम के 2 और 2 ट्रस्टी, ऐसे ये लोग भी 17 लोगों को ऐसा इस तरीके से इसमें आरोपी बनाया गया था, जिनको आज कोर्ट ने तमाम चार्जेस से बरी कर दिया है। इस्माइल भाई, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से मीडिया ने प्रोपोगेंडा चलाया एक जमातियों को लेकर, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए और एक प्रोपोगेंडा ऐसा चलाया गया कहीं ना कहीं, जिसने कोर्ट ने भी कहा कि बलि का बकरा जो है बनाया गया, हॉस्पिटल के स्टाफ से लेकर भी जमातियों पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, थूकने का आरोप लगाए गए
कोरोना बम तक बताया गया जमातियों को, तो आप मीडिया को जो है किस नज़र से देख रहे हैं, क्या मीडिया इसमें किस तरह का जो है प्रोपोगेंडा फैलाई? देखिए, हिंदुस्तान में जो मीडिया है ये जो है हमारे भारत के सब जो संविधान का चौथा स्तंभ है। मीडिया से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो सच को सच दिखाएं, क्योंकि हम लोगों का मीडिया पर विश्वास है। लेकिन कुछ मीडिया, चंद मीडिया के जो पर्सन्स हैं, जिन लोगों ने शायद गवर्नमेंट के दबाव में आकर या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को समाज में नीचा दिखाने की नीयत से, जो उनके जहन में क्या था ये वो खुद बेहतर जानते थे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये बताया गया कि ये इस चीज़ के ज़िम्मेदार है, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है ये इस चीज़ को फैला रही है। कोई भी वबा, कोई भी आफत और कोई भी जो चीज़ें होती है कम्युनिटी को देखकर नहीं होती है, तो इंसानों पर आने वाली वबा है, ये इंसानों पर आती है। इसको इंसानियत के तौर पर देखना ज़्यादा बेहतर होता इसकी बजाय कि इसको हमने मज़हब की शक्ल में देखा। मैं तो ये कहता हूँ कि हर इंसान मीडिया की नज़र में बराबर है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या क्रिश्चियन। अगर हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नीचा दिखाएंगे तो हम उसके खिलाफ हैट्रेट पैदा कर रहे हैं, जो भारत के संविधान का उल्लंघन है। मैं हाथ जोड़कर मीडिया पर्सन से विनती करता हूँ कि वो सच्चाई को अवामुन नास के सामने दिखाएं, क्योंकि हम भी उनका एक मीडिया पर्सन होने के तई उनका आदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। एक पर्टिकुलर तबके को समाज के सामने नीचा दिखा करके उनको क्या फ़ायदा होता है ये वही जानते हैं और उनका रब जानता है। क्या कहेंगे आप जिस तरह से आज सभी जमाती जो है डिस्चार्ज होकर आए हैं, कहीं ना कहीं दोष मुक्त हो गए हैं, जो आरोप लगा था इन पर वो आरोप खारिज हो चुके हैं, तो इस मौके पर आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह जो है शुरू से बेबुनियाद थे बिल्कुल, क्यों चूँकि जैसे ही इन जमातों को, दोनों जमातों को हमारे अरेस्ट किया गया और उसके बाद जो है जो हमारा जो आरोग्य डिपार्टमेंट है वो आए यहाँ पर, उसके बाद इनके टेस्ट जो है लिए गए, कोरोना टेस्ट किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों जमातों में, बल्कि अक्सर यहाँ की जो महाराष्ट्र में जितनी जमातें थी उसमें कोई भी जमाती जो है कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। तो इस पहली तो इनके लगाए हुए इल्ज़ाम तो वहीं ख़त्म हो गए थे, लेकिन चूंकि हुकूमत की दबाव और उसको देखते हुए और हालात के तहत जो इल्ज़ाम लगे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो औरंगाबाद बेंच जो हाईकोर्ट की है, जो जस्टिस नलावड़े साहब की बेंच ने जो तारीखी फैसला दिया, उस फैसले की को सामने रखते हुए अब जिस तरीके से जो है मुमरा की जमात को बरी किया गया है, इन पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ाम से ये इनको बरी कर दिया गया है। उम्मीद है कि और भी महाराष्ट्र में काफ़ी जमातें हैं, इसी को सामने रखते हुए, इस फैसले को सामने रखते हुए जो है उनके लिए भी जो है रास्ते खुल जाएंगे फैसले के। क्या नाम है आपका और आप क्या कहेंगे जो जिस तरह से आप लोगों पर आरोप लगा था लेकिन कोर्ट ने उन आरोपों को खारिज कर दिया, यहां तक जो FIR थी उसे भी रद्द कर दिया गया है, आप लोग आज डिस्चार्ज होकर आए हैं, तो ऐसे मौके पर क्या कहेंगे आप? नहीं तो कहेंगे जो ये सब अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म से हम लोग यहाँ आ सकते आएगा, तो अल्लाह का हुक्म से ये हालत आया है, अल्लाह का हुक्म से ये सब दूर हो जाएगा। तो इसका इस हालत में यहाँ का जो लोकल साथी था उन्होंने हमारा बहुत खिदमत किया, तो हर लाइन में खिदमत किया, हम उस लोग पर हैप्पी है, बहुत खुश है। तो जिस तरह से मामला दर्ज किया गया था लेकिन यहाँ की जो भारतीय कानून व्यवस्था है, जो कोर्ट है, उसने जिस तरह से फैसला सुनाया उससे आप लोग कितने खुश हो, कितने संतुष्ट हो उससे? उससे हम लोग बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके लिए थोड़ा प्रोसेस के लिए टाइम लगता है, तो 7 महीना चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो डिसीजन हुआ उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह।